जब एक साथ होंगे अमेरिका और भारत में चुनाव 2004 के 20 वर्षों बाद एक बार फिर 2024 में विश्व के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश अमेरिका में राष्ट्रपति और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव होंगे। चुनाव हालांकि 2024 में होंगे, परंतु दोनों देशों के प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। बीती शाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मार-ए-लागो क्लब में अपने हजारों समर्थकों के साथ एक बार फिर से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। ये तीसरी बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इससे पहले जनवरी 2017 से जनवरी 2021 तक ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था, परंतु 2021 का चुनाव ये हार गए थे। आपको बता दें कि अमेरिका में मुख्य रूप से दो ही पॉलिटिकल पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हैं, वहीं ट्रंप का संबंध रिपब्लिकन पार्टी से है। ट्रंप ने कल रात मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नाम से चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया है। अमेरिका की तरह भारत में भी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत भारत के मतदाताओं को समझने और उन्हें समझाने के लिए सड़क पर निकले हुए हैं। बात यदि सत्ताधारी भाजपा की करें तो हम पाएंगे कि भाजपा हमेशा ही चुनावी मोड ऑन रखती है। अब वर्ष 2024 में देखना होगा कि विश्व के सबसे पुराने और विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के मतदाता किसे चुनते हैं। क्या वो सत्ताधारी दलों को फिर से मौका देंगे या फिर विपक्षी दलों को अजमाना चाहेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। मैं राजेश ओपी सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। शुक्रिया। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।